हिंदू धर्म ग्रंथ की पौराणिक कथा के अनुसार रक्त बीज और देवताओं के मध्य युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में देवताओं द्वारा रक्त बीज पर प्रहार करने से उसके शरीर से खून धरती पर गिरने लगा। रक्त बीज असुर के शरीर से जहाँ जहाँ खून गिरता गया वहाँ वहाँ कई सारे दैत्य पैदा हो गए। असुर रक्त बीज को ऐसे में हराना कठिन हो गया था और वह देवताओं के लिए चुनौती बन गया था। देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और अपनी परेशानी बताते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए इसका उपाय मांगा। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से रक्त बीज का संहार करने के लिए विनती की। उसके पश्चात माता पार्वती ने मां काली का विकराल रूप धारण कर असुर रक्त बीज का संहार किया। संहार करने से पहले रक्त बीज घायल हो गया और उसके शरीर से खून जैसे ही धरती पर गिरने ही वाला था उसे मां काली ने उसी क्षण अपने खपर में एकत्रित कर लिया। मां काली ने जगत कल्याण के लिए उस रक्त को पी लिया। इसके बाद मां काली के क्रोध ने विशाल रूप धारण कर लिया। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके चरणों में लेट गए। जैसे ही भगवान शिव के सीने पर मां काली के चरण स्पर्श हुए तो उनको अपने क्रोध पर गिलानीन हुई और शिव जी पर अपने पाँव देख उन्होंने संकोचित मन से जीव को बाहर निकाल दिया। तब से मां काली उसी रूप में पूजन किया जाती है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हरे कृष्णा।